जनपद संभल के चंदोसी में सपा के कार्यकर्ताओं ने सपा के राष्ट्रीय संरक्षक मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से केक काट के भेजोई रोड स्थित सतीश प्रेमी के कैंप कार्यालय पर मनाया गया तथा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का मसीहा बताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी ने कहा कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने देश में जो राजनीतिक मूल्यों की स्थापना की है, समाजवाद की विचारधारा को आग्रेसित किया है, उसी से इस देश के गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, व्यापारियों का भला हो सकता है। समाजवादी पार्टी विचारधारा ही उत्तर प्रदेश में खुशहाली तथा विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। संगोष्ठी में केंद्र और प्रदेश में चल और मक्कारी से स्थापित सांप्रदायिक ताकतों को खड़ फेंकने तथा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का संकल्प लिया गया तथा कार्यकर्ताओं से पार्टी के हित में अपने अपने बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का भी संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में मुलायम सिंह यादव जी के दीर्घायु होने की प्रार्थना भी की गई तथा मिठाई वितरण किया गया। कार्यक्रम में नदीम शमशी, मास्टर आकिल, राजीव रस्तोगी, फकरे आलम, अमित गौतम, संजय मदान, तनवीर कुरैशी, गुलचंद राय, राजेश कुमार यादव, शकुन प्रेमी, मतीन नवाज, जसीम सेफी, संजय सिंह, धर्मपाल, चेष्ट गौतम, शोभित प्रेमी, राजवीर सिंह सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज समाजवादी पार्टी के संरक्षक, हम सबके नेता, देश के पूर्व रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी का 82वां जन्मदिन था और हम लोगों ने बड़े उत्साह से आज उनका जन्मदिन मनाया, केक भी काटा और एक संकल्प गोष्ठी के रूप में भी यहाँ पे की, संकल्प भी लिया कि जो प्रदेश में और देश में जो धोखे धड़ाके से, जो लोग छल और मक्कारी से, जो सांप्रदायिक ताकतें सत्तारूढ़ हो गई हैं, उन सांप्रदायिक ताकतों को आज उखाड़ फेंकना बहुत ज़रूरी है। आज हमने संकल्प भी लिया है क्योंकि इस देश का संविधान को जिंदा रखना है, इस देश के लोकतंत्र को जिंदा रखना है, इसलिए आज हमने माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन संकल्प दिवस के रूप में भी मनाया कि आज इस देश में गरीबों की, मजदूरों की, अगड़ों की, पिछड़ों की, दलितों की कोई सुनने वाला नहीं है। लगातार संविधान पर हमले हो रहे हैं, लगातार लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, लेकिन कोई कहने वाला नहीं है। आज हमने ये निश्चित किया है कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आज संकल्प के साथ इस प्रदेश और देश की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, जिससे कि इस देश में संविधान बचा रहे, लोकतंत्र बचा रहे और किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की लड़ाई जो लड़ रहे हैं हम लोग लगातार, उनके बच्चों को तालीम के लेकर के, उनके बच्चों को रोजी रोटी लेकर के, इसके लिए आज हमने संकल्प लिया है और हमारे साथियों ने बड़े उत्साह से आज ये जन्मदिन का मनाया है।